हे बाल गोपाल, आपने तो मुझे बिना मांगे सब कुछ दिया है, इसलिए आज मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रही हूँ, अपनी बच्चियों के लिए मांग रही हूँ। मेरी बच्चियों को हमेशा खुश रखिए भगवान। आप तो जानते हैं आजकल कितने मुश्किल दौर से गुजर रही हैं, बस आप उनका ख्याल रखिएगा। जन्मदिन मुबारक हो शौरकी माँ जी। थैंक यू। वर्षा ने बात की, इतने सालों में आज पहली बार मेरे जन्मदिन पर वर्षा ने सुबह सुबह मेरा मुंह मीठा नहीं करवाया। अभी तक नाराज है? उसे तो अब भी यही लगता है ना कि कुहू के मामले में मैंने उसका साथ नहीं दिया, और ये कि मुझे बच्चे की ज्यादा चिंता है और कुहू की नहीं। समझ में नहीं आ रहा शौर्य के बाबूजी, वो मुझे इतना गलत कैसे समझ सकती है। देखिए, जितना आपको बुरा लग रहा है ना, उतना हमें भी। वर्षा के चुप हो जाने से जैसे कि ये सारा घर चुप हो गया है। लेकिन आज तो हमारे घर में रौनक आने वाली है। मिष्टी, देखिए बेटी का नाम लेते ही चेहरे पर कितनी बड़ी मुस्कुराहट आ गई। आइए। ताई जी, खुश रहे बेटा, खुश रहे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। चल झूठी, कहाँ अच्छी लग रही हूँ। 5 महीने में आज तक डबल ट्रबल हो गई। पता चला डिलीवरी होते होते दरवाजों में फंसने लगूंगी। इतनी प्यारी तो लग रही है तू। एक मिनट पारुल माँ, मुझे ड्राई फ्रूट्स खाने का बड़ा मन कर रहा है। अभी लेकर आती। अब मुझे काजू किशमिश नहीं, मुझे मैकेडेमिया नट्स ही खाने। मिष्टी ले आएगी, पर वो तो दादी की बर्थडे पार्टी में गई है ना। वो सिर्फ आधे घंटे के लिए राजश्री जी से मिलने गई है कुहू। पर मैं तो आधे घंटे के लिए भी नहीं जा सकती ना, सिर्फ उसके और उसके बेबी की वजह से। मुझे मैकेडेमिया नट्स ही खाने। जो मिष्टी ने मंगवाए हैं सुबह ही मुझे देके गई है वो, अभी लेकर आती हूँ। पारुल तुम, अब मुझे नट्स नहीं खाने, मन नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, तुम आराम से बैठो, अगर कुछ चाहिए तो बता दो, मैं यही रसोई में हूँ। मिष्टी, बड़ी माँ! हैप्पी बर्थडे बड़ी माँ। थैंक यू बेटा। नो 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 नो, कोई सैड नहीं होगा बर्थडे के दिन। हैप्पी बर्थडे ब्यूटीफुल। थैंक यू स्मार्टी। देखिए मैं आपकी गुड़िया रानी को ले आया हूँ, अब मुझे एक्स्ट्रा केक चाहिए। एक्स्ट्रा क्यों भाई, आप सारे का सारा केक खा लीजिए आप ही के लिए। हैप्पी बर्थडे ताई जी। अरे थैंक यू बेटा। हाय जस्मी चाची। हाय अभी। मिष्टी कैसी है? आप कैसी हैं? ठीक। चलिए चलिए केक काटते हैं। हाँ हाँ हाँ। वो वर्षा ताई जी, वो क्या है ना कि वर्षा भाभी के सर में दर्द हो रहा था, इसलिए वो कमरे में आराम कर रही हैं, बाद में आ जाएंगी वो। हाँ मैं भी सोच रहा था कि मैं अकेले ही आ जाऊँ, मिष्टी को भी ना लाऊं, क्योंकि जितने कम लोग उतना अच्छा ना। वैसे कितने कैंडल्स लगाने? 23। ये देखा है? ओके ठीक, काटिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं काम करती हूँ, कुहू के लिए ना थोड़ा सा केक पैक कर देती हूँ। अरे नहीं आंटी, आइसिंग में कलर होता है, वो कुहू के लिए अच्छा नहीं है। मिष्टी तो तूने ये वाला केक ऑर्डर ही क्यों किया? कोई बात नहीं जसमीत बेटा, कुहू के लिए दूसरा मंगा लेंगे। ताया जी मैं तो साफ साफ बात कहती हूँ, हमारी कुहू तो दूसरी बन के रह गई है, उसके लिए केक भी दूसरा ऑर्डर होगा और प्रेगनेंसी भी किसी दूसरे के लिए होगी। जसमीत, जसमीत चाची, कुहू का तो सब कुछ ही अलग होता है, चाहे वो केक हो या प्रेगनेंसी हो। लेकिन हाँ, हमारे घर में उसे जितना प्यार और अटेंशन मिलता है ना, उतना और किसी को नहीं मिल सकता, हम में से तो किसी को नहीं मिल सकता। क्यों ना मिले अबीर बेटा, आपके घर में पहली औलाद जो आने वाली है।
जीत आया जी, बच्चा तो फर्स्ट होगा लेकिन हमारी कुहू तो सेकंड ही आएगी ना। और जब तक उसके पास उस घर का असली वारिस है, उसका तो सब ध्यान रखने वाले हैं, है ना अबीर? यानी कुहू को प्यार मिलेगा तो सिर्फ अबीर और मिष्टी के बच्चे की वजह से। बच्चा आते ही सब कुहू को भूल जाएंगे, बाकी सबसे तो कोई उम्मीद थी ही नहीं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बाऊजी भी ऐसी बात कहेंगे। अच्छा सुन, तूने टिया और मेघा से मेरे सरोगेसी के बारे में डिस्कस तो नहीं किया ना? पागल है क्या? तेरा सीक्रेट सेफ है। अरे एक मिनट, क्या कर रही हूँ? चुप रहो, मुझे करने दो। पारोना प्लीज। थैंक्स पारोना। अच्छा वैसे तेरा बेबी शावर कब है? रुक जा, मैं ना तुझे अपने बेबी शावर के फोटोज दिखाती हूँ। मैं तेल गरम करके ले आती हूँ। दिखा। वाओ, तो बहुत ब्यूटीफुल है और इतने सारे गिफ्ट्स भी। पर कुणाल की फैमिली तो काफी ट्रेडिशनल है ना, तेरी तो गोद भराई होगी। एक्चुअली मिष्टी की गोद भराई। लेकिन गोद भराई तो वो की होनी चाहिए ना, प्रेग्नेंट वो है। बेटा बच्चा तो तेरा होने वाला है ना, इसलिए हम ये रस्म तुम दोनों के साथ करेंगे। मिष्टी बेटा देखिए, शौहर की माँ ने तो सारी तैयारियां भी कर ली, वो आप दोनों के लिए गिफ्ट्स भी ले आई। अबीर समझाइए ना। बड़े पापा मैं समझ सकता हूँ मिष्टी क्या सोच रही है। एक्चुअली कुहू को ना अटेंशन शेयर करने की आदत नहीं है, और वो कुहू ही क्या जो दो तीन नखरे ना दिखाए। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। अबीर इस घर की दोनों बेटियां मां बनने वाली हैं, हम किसी की खुशी में कोई भी कमी नहीं आने देंगे, हम दोनों की गोद भराई करेंगे। You're right, बड़ी माँ। इतने महीनों से कुहू की हर जिद, उसका हर नखरा मिष्टी अपनी खुशियों के आगे रखती आई है। इस बार मैं मिष्टी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। स्लो स्लो। सुबह से मिल्कशेक पीने का मन कर रहा है। अरे तू पहले क्यों नहीं कहा? बताया था मिष्टी को, पर दादी की बर्थडे पार्टी के एक्साइटमेंट में भूल गई होगी। देख ले, तू अभी अपनी माँ की आज तक फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बना देता हूँ। अरे वाह, नान को और किचन में, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा ना? वेरी फनी भाई, वेल आई नो कि मिष्टी कुहू का ध्यान रखने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन कई बार ना पूरी कोशिश अधूरी रह जाती है, इसलिए मैं कुहू के लिए मिल्कशेक बना रहा हूँ। बिग बेन के साथ ज्यादा टाइम बिता रहा है क्या? कैसी बातें कर रहा है? आई एम जस्ट सेइंग, कुहू ने मिष्टी को सुबह से बोल रखा था कि उसे मिल्कशेक पीना है। अगर मिष्टी बिजी थी तो किसी और को कह देती ना, वो बना देता। हाँ तो रो भी तो किसी और से कह सकती थी ना। अबीर मैंने मिल्कशेक सुबह ही बना के रख दिया था। नॉट बैड मिष्टी, मतलब ब्रो ने तो दो तीन हैशटैग भी सोच लिए थे तुम्हारा इंसल्ट करने के लिए, लेकिन अब क्या होगा? अबीर ठीक तो है ना? अच्छा कुणाल कुहू, मुझे तुम दोनों को कुछ बताना था। बड़ी माँ चाहती है कि हम गोद भराई करें। कुहू हैशटैग नो वे नो चांस नॉट हैपनिंग। मैं 100 साल पुरानी रस्म नहीं करने वाली, तुझे कराना है तो तू करा ले। कुहू लेकिन रस्म में सब लोग बेबी को आशीर्वाद देंगे और बेबी तो तेरे पास है ना। ओह तो तुझे सिर्फ इसीलिए मेरी जरूरत है, राइट? अदरवाइज मैं रस्म में आऊं ना आऊं, हु केयर्स? रिलैक्स रिलैक्स, एक सेकंड। ब्रो तुम क्या करना चाहती हो? ब्रो मुझे बेबी शावर करना है, जहाँ पे लोग फन करें, म्यूजिक हो, पार्टी हो, लोग अच्छे कपड़े पहन के आए, अच्छी थीम हो और मुझे ढेर सारा गिफ्ट मिले। लेकिन बड़ी माँ और बड़े पापा चाहते हैं कि हम गोद भराई करें। तो फिर मुझसे क्यों पूछा जा रहा है? हाँ मुझसे क्यों पूछा जा रहा है कि मैं क्या चाहती हूँ? मैं तो बस वो बेबी प्रोड्यूस करने वाली मशीन हूँ, राइट? कुहू
ऐसा किसी ने नहीं कहा ब्रो, और ना ही ऐसा कोई सोचता है। हम सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, लेकिन बड़े पापा और बड़ी माँ को डिसरिस्पेक्ट करके नहीं। एक काम करते हैं, हम पहले पहले गोद भराई कर लेंगे, उसके बाद में हम तुम्हारा बेबी शावर कर लेंगे। मुझे गोद भराई करनी नहीं है ब्रो। लेकिन कुछ ही घंटों की बात है, और फिर जैसा अबीर कह रहा है वैसे कर लेंगे ना। गोद भराई के बाद तेरा बेबी शावर भी हो जाएगा, और बड़ी माँ का दिल रखने के लिए प्लीज। दादी के लिए या तेरे लिए मिष्टी? कुहू, सिंपल सी रस्म है, हर प्रेगनेंसी में होती है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में होती होगी ब्रो, पर मेरी प्रेगनेंसी किसी भी एंगल से नॉर्मल नहीं है। वो तो इतनी छोटी सी बात पे क्यों ओवर रिएक्ट कर रही है? मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? सुना तुमने, मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? मिष्टी मुझे नीचा दिखाने का कोई तो मौका छोड़ दे। वो लेकिन गोद भराई बड़ी माँ करवाना चाहती है, और तूने हाँ कर दी। मुझसे एक बार भी पूछा? क्यों पूछेगी, मैं हूँ ही कौन? राइट, नोबडी, कोई भी तो नहीं हूँ मैं। मैं मानती हूँ कि तेरे लिए तेरा बेबी बहुत इम्पोर्टेंट, पर पल तो मेरे अंदर रहे ना। मुझसे एक बार पूछ लेती तो तेरी इम्पोर्टेंस कम नहीं हो जाती? प्लीज प्लीज रोना बंद। अभी तक तो ठीक थी, लेकिन तुम्हारे आते इसकी हालत देखो यार। कुणाल, मिष्टी ने ऐसा क्या कह दिया? नहीं ब्रो, हमेशा की तरह इस बार भी गलती मेरी, सारी गलती मेरी। तुम्हें पता है कुणाल, अगर कोई नॉर्मल कपल भी किसी अजनबी लड़की को सरोगेट बनाता है ना, तो उसका भी इतना ख्याल रखता है, और मैं तो इसकी अपनी हूँ, फिर भी मेरी कोई वैल्यू नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई इम्पोर्टेंस नहीं। कुहुआ, मेरी सॉरी अगर तुझे मेरी बातों का बुरा लगा। अब जो तू चाहेगी ना हम वैसा ही करेंगे। अब सिर्फ बेबी शावर होगा, गोद भराई नहीं होगी। बड़ी माँ से मैं बात कर लूंगी। ओके ओके, नॉट ओके मिष्टी। अगर हाँ बोलना ही था तो पहले ही हाँ बोल देती ना, इतना ड्रामा क्यों किया? डॉक्टर ने कुहू को रिलैक्स करने के लिए कहा, लेकिन तुम्हारे साथ तो लगता है पॉसिबल ही नहीं। कुहू चल। बड़ी माँ ने तेरे लिए, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।